स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों को हमारे हीरो इंडियन सुपर लीग के आज के मैच पर। एफसी गोवा वर्सेस मुंबई सिटी एफसी फतोरदा स्टेडियम से लाइव प्रेडिक्शन गेम प्ले लाया गया है आप सभी के लिए, जहां पर प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग आज के इस मैच का विनर, हीरो ऑफ द मैच और क्या स्कोर लाइन हो सकते हैं इन दोनों टीमों के बीच में। चलिए गोवा वर्सेस मुंबई सिटी के बीच में सबसे पहले तो मैं आ जाऊंगा यहां पर स्टैंडिंग्स पर। मुंबई सिटी जो है क्या ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस सीजन पर दिया है, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। अभी तक 17 मैचेस पर 13 मैचेस जीते हैं, 4 मैचेस ड्रॉ किए हैं और बिल्कुल अनबीटन अभी तक इस टूर्नामेंट पर बने हैं और एक नंबर पोजीशन पर है 43 पॉइंट से, और सेकंड स्पॉट जो हैदराबाद पकड़ के बैठे हैं उससे लगभग 10 पॉइंट्स के आगे हैं। और एफसी गोवा जो है फिफ्थ पोजीशन पर है, 17 मैचेस पर 8 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस ड्रॉ किए, 6 मैचेस हारे, 27 पॉइंट्स पर है और यहां पर 30 पॉइंट्स होने से एटीके मोहन बगान को पीछे छोड़ देंगे एफसी गोवा। स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्टेड स्टार्टिंग 11 धीरज सिंह मोरियांगे थे गोल कीपिंग पर, आइवन डॉलिंग, फेरिस राउंड, अनवर अली, सैमसन पेरियरा, ब्रेंडन फर्नांडिस, आयुषदेव छेत्री, सामने से नोआ सदु, अल्वारो वास्क्वेज और इकर गौरव सेना। 4-3-3 फॉर्मेशन पर यहां पर मैच को स्टार्ट करेंगे एफसी गोवा। बहुत ही महत्वपूर्ण एक मैच एफसी गोवा के लिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन का बात यहां पर आ जाता है, क्योंकि अगर आज एफसी गोवा द अनबीटन मुंबई सिटी को हरा सकते हैं तो यहां पर चौथे पोजीशन पर चले आएंगे। मुंबई सिटी का स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्टेड, पूर्व लचिन पर संजीव स्टैलिन, मुर्तादा फॉल, महताब सिंह, विघ्नेश दक्षिणामूर्ति, डॉस्टिन ग्रिफिथ्स अपुया, सामने से अल्बर्टो नोगुएरा, जॉर्ज पेरियर अडियास, विपिन सिंह और लालरिंस वाला चांगते। 4-3-3 फॉर्मेशन पर यहां पे मुंबई सिटी द अनबीटन टीम इन द हीरो इंडियन सुपर लीग दिस सीजन यहां पर फेसेस एफसी गोवा एट देयर होम स्टेडियम फतोरदा। क्या यहां पर एफसी गोवा के पास वो क्षमता है द अनबीटन मुंबई सिटी को यहां पर हरा के चौथा पोजीशन पर अपना नाम, अपने टीम का नाम ले जाए। यहां पर किक ऑफ करता हुआ फर्स्ट हाफ प्रेडिक्शन गेम प्ले का यहां पर नोआ सदु ऑन द बॉल, एफसी गोवा के पास पोजीशन, यहां पर इंटरसेप्ट करता हुआ पहले ही से ही मुर्तादा फॉल और जॉर्ज पेरियर अडियास, बहुत ही घातक काउंटर अटैक्स यहां पर इस सीजन पर किए हैं मुंबई सिटी एफसी ने, जहां पर ज्यादा गोल्स काउंटर अटैक्स पर आए हैं मुंबई सिटी एफसी का। और यहां पर अपुया का थ्रू पास, संजीव स्टैलिन ऑन द बॉल, शुरुआती मोमेंट से प्रेशर डाल रहे हैं यहां पर एफसी गोवा पे, रॉस्टिन की फिर से अल्बर्टो नोगुएरा का शॉट और यहां पर शुरुआती मोमेंट्स पे 6 मिनट के अंदर यहां पर अल्बर्टो नोगुएरा ने डाक दिया पहला गोल इस मैच का। मुंबई सिटी एफसी आर फ्रंट एज एक्सपेक्टेड और इसी के साथ साथ एक गोल का लीड मिल जाता हुआ मुंबई सिटी एफसी को, बिल्कुल कोई मैन मार्किंग नहीं वहां पर अल्बर्टो नोगुएरा पर, ओपन थे पूरा कोई टैकल भी नहीं किए वहां पर, फेरिस अर्नॉट मौजूद थे, अनवर अली मौजूद थे, लेकिन वहां पर कोई भी टैकल पर नहीं गए और यहां पर उसका पूरा भरपाई करना पड़ा एफसी गोवा को। मुंबई सिटी एफसी आगे बढ़ते हुए यहां पर 6 मिनट पर पहला गोल दागे हैं यहां पर मुंबई सिटी एफसी। अल्बर्टो नोगुएरा और भी गोल्स यहां पर आ सकते हैं, यहां पर मुंबई सिटी जिस फॉर्म पर है इस सीजन पे, एफसी गोवा को थोड़ा डिफेंसिव प्ले जो है वो थोड़ा पकड़ के खेलना पड़ेगा, यहां पर टाइट पोजीशनिंग रखना पड़ेगा डिफेंसिव लाइन पर अगर यहां पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अल्वारो वास्क्वेस के पास मौका, देख सकते हैं यहां पर अल्वारो वास्क्वेस के पास बॉल मिलते ही तीनों प्लेयर्स यहां पर तुरंत अटैक पर आते हुए और वहां पर ऑफसाइड का कॉल और ब्रेंडन फर्नांडिस बिल्कुल ना खुश रेफरी के इस डिसीजन से, ऑफसाइड थोड़े से के लिए ऑफसाइड, गुड कॉल मैं कहूंगा रेफरी की तरफ से, लेकिन यहां पर एक अच्छा चांस हो सकता था क्रिएट अगर ऑफसाइड नहीं होता। यहां पर रॉस्टिन ग्रिफिथ्स का पास अपुया, मुंबई सिटी इन पोजीशन, अल्बर्टो नोगुएरा द ओनली गोल स्कोरर टिल नाउ, अल्बर्टो नोगुएरा का चिप पास, विपिन सिंह को रिलीज करता हुआ डाउन द लेफ्ट, यहां पर क्या क्रॉस दाग पाएंगे यहां पर विपिन सिंह का पास, अल्बर्टो नोगुएरा, नोगुएरा से लाल जेंस वाला चांगते का टैप इन की कोशिश, लेकिन इस बार धीरज सिंह मोरियांगेथम ने परफेक्टली टाइम्ड सेव दागते हुए यहां पर एफसी गोवा को पोजीशन वापस देता हुआ और यहां पर रोड्रिग्वेस को डिस्पोजेस करता हुआ रॉस्टिन ग्रिफिथ्स, जॉर्ज पेरियर अडियास चिप पास निकालते हुए फिर से विपिन सिंह के पास,
और आइबानहा डॉलिंग का बेहतरीन डिफेंडिंग यहां पर, एक फियर टैकल विपिन सिंह के ऊपर जो कि डिस्पोजेस कर सकता था। यहां पर आइबानहा डॉलिंग डाउन द लेफ्ट, विघ्नेश दक्षिणामूर्ति प्रेशर देने की कोशिश और अल्वारो वास्क्वेस के ऊपर फिर से ऑफसाइड का फ्लैग रेज्ड। देख लेंगे रीप्ले। हाँ यहाँ पर ऑफसाइड, फिर से सेम तरीके का ऑफसाइड, यहाँ पर थोड़े कुछ इंचेस के लिए यहाँ पर ऑफसाइड, और यहाँ पे फिर से फ्री किक लेता हुआ मुर्तजा फॉल्स अपुया। अपुया का थ्रू पास यहाँ पर चांगते ने ले लिया है बॉल वहां पर, बेहतरीन थ्रू पास चांगते की तरफ से पास यहाँ पर अपुया, और यहाँ पर फाइनली फेरेस अर्नॉट ने किया डिस्पोजेशन, लेकिन फिर भी खतरा अभी तक टला नहीं है फेरेस अर्नांडिस, और यहाँ पर फाइनली यहां पर क्लियरेंस फर्नांडिस की तरफ से। अल्वारो वास्क्वेज इस बार ऑफसाइड पोजीशन पर नहीं है, अच्छे पोजीशन, अच्छा रन, क्या यहां से शॉट ले पाएंगे अल्वारो वास्क्वेज, लेकिन मुर्तादा फॉल, द वॉल ऑफ मुंबई सिटी यहां पर कोई मौका नहीं देते हुए अल्वारो वास्क्वेज को। जॉर्ज पेरियर डियाज ऑफ कोर्स फैंस उस चैलेंज पर थोड़ा सा तो पेनल्टी के लिए पुकारे हैं, लेकिन रेफरी को कोई दिक्कत नहीं लगा उस टैकल पर, और यहां पर आगे की जानकारी यहां पर देख सकते हैं आप। विपिन सिंह का पास जॉर्ज पेरियर डियाज से बैक टू विपिन सिंह, विपिन सिंह का पास, लेकिन इस बार फेरेस अर्नॉट और आइबानहा डॉलिंग के बीच में बेहतरीन डिफेंडिंग कैपेबिलिटी। ब्रेंडन फर्नांडिस का पास इकर गोरत्सेना को डाउन द राइट रिलीज करता हुआ यहां पर एफसी गोवा, क्या यहां पर ब्रेक थ्रू ला पाएंगे, नहीं, यहां पर ब्रेक थ्रू की तो दूर की बात, मुंबई सिटी का फाइनल डिफेंसिव लाइन तक भी यहां पर नहीं जा पाए। यहां पर एक और चांस, नुआ सदुई बैक पास सेंसन पेरियरा से, आयुष देव छेत्री, छेत्री का पास इकर गौरत्सेना, फिर से यहां पर विघ्नेश दक्षिणामूर्ति है लाइन पे, आयुष देव छेत्री बैक टू ब्रेंडन फर्नांडिस से नोवा सदुई, ब्रेंडन फर्नांडिस, नोवा सदुई, टू मेनी पासेस इनसाइड द पेनल्टी एरिया, यहां पर इकर गौरत्सेना, यहां पर रोड्रिगेस का शॉट, लेकिन फाइनली कुछ उखाड़ नहीं पाए यहां पर एफसी गोवा के फ्रंट फॉरवर्ड्स। पूर्वा लचेनपा को अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं किया है। गोल किक, संजीव स्टालिन के पास बॉल, थ्रू पास निकालता हुआ अपुया। पोजीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर एफसी गोवा ने 55% पोजीशन रखे हैं, 45% मुंबई सिटी के पास रहा है पोजीशन, लेकिन the better team still now is Mumbai City FC in comparison to defense and attack. Brandon Fernandes, Victor Rodriguez, yahan par Alvaro Vasquez ka pass Iker Gorotsena ke liye, yahan par through pass nikal diya Alvaro Vasquez, wahan par pahunch nahi paaye, aur wahan pe Roston Griffiths, जिफ स्टालिन से लाल रिंजू वाला, चांगते का पास जॉर्ज पेरियर डियास वापस से चांगते को देने की कोशिश, लेकिन डॉहलिंग ने इंटरसेप्शन किया पास को, और आयुष देव छेत्री के पैर से आता हुआ यहां पर काउंटर अटैक, इकर गौरत्सेना बेहतरीन तरीके से, इकर गौरत्सेना ने संजीव स्टालिन और मुर्तादा फॉल को हटाने की कोशिश, लेकिन फाइनली वहां पर डिस्पोजेस किया। एक मिनट का एडिट टाइम यहाँ पर, फर्स्ट हाफ खत्म होने में बच कुछ ही सेकेंड का समय बाकी, और देख कहते कहते यहाँ पर फर्स्ट हाफ का फाइनल विसल बजा दिया है रेफरी ने, और फाइनल हाफ, फर्स्ट हाफ खत्म होता है विद द प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन, मुंबई सिटी एफसी 1 एफसी गोवा 0। जरूर हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, और जरूर हमारे कमेंट सेक्शन पर आपका क्या प्रेडिक्शन है आज के इस मैच को लेकर जरूर बताइएगा। और एकमात्र गोल स्कोरर अल्बर्टो नुगुएरा फर्स्ट हाफ पर, और देखें हैं तो सेकंड हाफ पर क्या स्ट्रेटजीज चेंज आते हैं, क्या प्लेयर्स की सब्स्टिट्यूशन होते हैं, और किस हिसाब से प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, जरूर देखना पड़ेगा। सेकंड हाफ पर एफसी गोवा क्या यहां पर कमबैक कर पाएंगे, या मुंबई सिटी इस एक गोल के ऊपर और भी ज्यादा गोल्स दागेंगे, देखना यही है यहाँ पर इस मैच पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। स्कोर लाइन बहुत ही नाजुक सा स्कोर लाइन है, एक ही एजी लीड मुंबई सिटी के पास कभी भी पलट भी सकता है एफसी गोवा के लिए,
तो वही जरूर देख लेंगे क्या हो सकता है यहाँ पर। अगर रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं दोनों टीमों के बीच में, एफसी गोवा ने लास्ट 5 मैचेस पर 2 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस ड्रॉ किया और 1 मैचेस हारे हैं। यहाँ पर अगर मुंबई सिटी एफसी की बात करते हैं तो लास्ट 5 मैचेस पे 4 मैचेस जीते हैं, सिर्फ लास्ट मैच जो था हैदराबाद के अगेंस्ट 1-1 का स्कोर लाइन से ड्रॉ हुआ था वो मैच। ये शुरू करते हैं यहाँ पर सेकेंड हाफ का प्रेडिक्शन गेम प्ले, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक और जरूर कमेंट सेक्शन पर बताइएगा आपका क्या प्रेडिक्शन है और लाइव चैट पर आपका आपके टीम को वोट करके जरूर। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले जो हाफ था फर्स्ट लेग जो था यहाँ पर मुंबई सिटी वर्सेस एफसी गोवा के बीच में, तो 4-1 की स्कोर लाइन से मुंबई सिटी ने हराया था एफसी गोवा को। तो क्या यहां पर वो रिपीट होगा? इकर गौरसेना से अल्वारो वास्क्वेस के लिए पास, लेकिन वहां पर मेहताब सिंह का बेहतरीन डिफेंडिंग बिल्कुल आगे आने ही नहीं दिए वहां पर। यहां पर एडवांटेज खिलाते हुए रेफरी जॉर्जे पेरियाडियाज मुंबई सिटी एफसी को, पास बॉल यहां पर विपिन सिंह, बैक पास जॉर्जे पेरियाडियाज, अल्बर्टो मोगुएरा, व्हाट अ लवली लवली गोल, What a lovely goal! बिल्कुल समझ नहीं आया जैसे कि यहाँ पर मुंबई सिटी एफसी के अगेंस्ट एफसी गोवा को बिल्कुल जैसे कि मालूम ही नहीं चला किसको पास दिया जा रहा है। बैक टू बैक सीरीज ऑफ पास, सीरीज ऑफ बैक पासेस और सडनली अल्बर्टो नोगुएरा आर इन फ्रंट और अपना दूसरा गोल रजिस्टर करता हुआ इस मैच पर अल्बर्टो नोगुएरा और मुंबई सिटी को मिल गया है 2 का लीड। प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन 53rd मिनट पर एफसी गोवा नील, मुंबई सिटी एफसी 2। इकर गौरसेना के पास बॉल, पास करता हुआ यहां पर ब्रैंडन फर्नांडिस से इकर गौरसेना, बैक टू अल्वारो वास्क्वेज। एफसी गोवा को बिल्कुल अटैक पर आगे बढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है वो उस पे पूरा एकदम से पानी फेर दे रहा है। यहां पर बैक पास आईमाना डॉलिंग, अटैक पे फिर से जाने की कोशिश आयुष देव छेत्री, बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग कर यहां पर विघ्नेश दक्षिणामूर्ति, देखिए नुआज सदुई के ऊपर मार्किंग, यहां पर एक मौका आ सकता है इकर गौरसेना का, लेकिन पूर्व वाला चिंपा विल कट दैट शॉट। हरनान को लाया गया यहां पर आयुष देव छेत्री के जगह पे। इकर गौरसेना का शॉट, ओह माय गुडनेस, व्हाट अ गोल दैट इज फ्रॉम इकर गौरसेना, ओह माय गुडनेस, व्हाट अ हिट दैट इज, बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम द हेवन, व्हाट अ शॉट फ्रॉम इकर गौरसेना, बिल्कुल राइट फ्रॉम द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया। और यहां पर जिस हिसाब से उन्होंने बॉल को रिसीव किया, टर्न किया, शॉट लिया, व्हाट अ लवली लवली गोल दैट इज। मैं इस गोल को तो भैया सारा दिन देख सकता और बोर नहीं होऊंगा। बेहतरीन गोल यहां पर वापस लाता हुआ 60 मिनट पर मुंबई सिटी को यहां पर थोड़ा सा आशा की आइड दिखाते हुए यहां पर एक टैकल, मुंबई सिटी लूजिंग पोजिशन, अनवर अली पास करता हुआ नुआ सदुई का चिप पास इकर गौरसेना के लिए, फिर से यहां पर निकालता हुआ बहुत ही बेहतरीन कोशिश और अल्वारो वास्क्वेस ने लेने की कोशिश बॉल को, लेकिन वहां पर अल्बर्टो नोगुएरा बाकी का काम कर दिए हैं। यहां पर जॉर्जे पेरियाडियाज मुंबई सिटी एफसी के लिए आगे बढ़ता हुआ विपिन सिंह, अल्बर्टो नोगुएरा का पास यहां पर जॉर्जे पेरियाडियाज के लिए, लेकिन हर्नान फर्नांडिस वहां पर एक बेहतरीन डिफेंसिव कैपेबिलिटी को कंप्लीट करता हुआ इंटरसेप्शन, कुछ खास नहीं कर पाए। चांगते के पास बॉल, बैक पास जॉर्ज पेरियाडियाज और धीरज सिंह मोरियांग गेटम का लाजवाब सेव। यहां पर रिडीम लैंग को लाया गया है सैनसन पेरियरा की जगह पे और ग्रेग स्टुअर्ट और मंदर राव देसाई को लाया गया है पेरियाडियाज और विघ्नेश दक्षिणामूर्ति के जगह पे। मुंबई सिटी की तरफ से 2 सब्स्टिट्यूशन और एफसी गोवा के तरफ से 2 सब्स्टिट्यूशन यहां पर हो चुके हैं। चंगते का पास विपिन सिंह, बैक टू अपुया से अल्बर्टो नोगुएरा का पास चंगते के लिए, चंगते से विपिन सिंह से ग्रेग स्टुअर्ट और फिर से एक घातक सेव मुंबई सिटी के अगेंस्ट एफसी गोवा को यहां पर मैच पर अभी तक जीवित रखते हुए
धीरज सिंह मोरियांगथम का वंडरफुल परफॉर्मेंस, व्हाट अ लवली सेव, बैक टू बैक सेव्स यहां पर कॉर्नर से किए हैं। यहां पर एल्बर्टो नोगुएरा फिर से थर्ड कॉर्नर लेने में सफल, बिपिन सिंह का पास रॉस्टिन ग्रिफिथ से यहां पर पास देने की कोशिश है और यहां पर फाइनली क्लियर करता हुआ फेरेस अर्नॉट बॉल को संजीव स्टालिन तक ही क्लियर कर पाए। यहां पर बिपिन सिंह से रॉस्टिन ग्रिफिथ फिर से चांगते, यहां पर एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आ सकता है, चांगते का शॉट, ओह माय गुडनेस, वंस अगेन धीरज सिंह मोरियांगथम। महताब सिंह के जगह पे एक और सब्स्टिट्यूशन यहां पर, कॉर्नर शॉट कॉर्नर फिर से लेता हुआ यहां पर बिपिन सिंह का पास अल्बर्टो नोगुएरा से बैक टू बिपिन सिंह, यहां पर एक बढ़िया ब्रेक थ्रू हो सकता है लेकिन रॉड्रिग्वेस का बेहतरीन यहां पर ब्लॉक, फिर से एक कॉर्नर, बैक टू बैक चौथा कॉर्नर इस मैच का यहां पर मुंबई सिटी एफसी के लिए, बिल्कुल जैसे कि उनका गला पकड़ के बैठे हैं मुंबई सिटी एफसी ने एफसी गोवा का, और यहां पर जैसे कि एफसी गोवा का एक गोल के बाद से जैसे कि बिल्कुल एक भी जगह नहीं दे रहे यहां पर मुंबई सिटी एफसी। और यहां पर चांगते का फिर से एक शॉट कॉर्नर, रॉस्टिन ग्रिफिथ्स बैक पास मुर्तादा फॉल के लिए लेकिन हरनान वहां पर ले लेंगे बॉल, लेकिन फिर से गवाते हुए एल्बर्टो नोगुएरा का शॉट फॉर अ हैट्रिक और धीरज सिंह मोरियांगथम, माय गुडनेस। धीरज सिंह मोरियांगथम इज जस्ट आउट ऑफ मुंबई सिटी एफसी लीग, व्हाट अ लवली सेव्स, बैक टू बैक सेव्स यहां पर, पांचवा बैक टू बैक कॉर्नर यहां पर मिल रहा है मुंबई सिटी एफसी को। अल्बर्टो नोगुएरा फिर से अरे भैया ऊपर से दो, अल्बर्टो नोगुएरा फिर से शॉट कॉर्नर लिया यहां पर, ग्रेग स्टुअर्ट का पास लालियंस वाला चंगते यहां पर बैक पास ग्रेग स्टुअर्ट ने गवाता हुआ बॉल वहां पर रोड्रिग्वेस का पास नोवा सदुई, क्या यहां से काउंटर अटैक पर कुछ उखर पाएंगे। एफसी गोवा पास करता हुआ यहां पर ब्रेंडन फर्नांडिस का पास यहां पर रिडीम लैंग से इकर गोरत्सेना, यहां पर एक बेहतरीन मौका आ सकता है रिडीम लैंग के पास लेकिन मुर्तादा फॉल को आगे नहीं बढ़ पाए, यहां पर बेहतरीन स्टॉप, क्या बढ़िया डिफेंसिव लाइन है यहां पर मुंबई सिटी जो बना रहे हैं यहां पर। और चांगते के पास मौका यहां पर शॉट और चांगते लालेंसोला चांगते मस्ट हैव जस्ट गॉट द विनिंग गोल ऑफ द मैच और यहां पे तीसरा गोल 83rd मिनट पर आता हुआ चांगते की तरफ से और मुंबई सिटी एफसी आर बैक इन द 2-goal लीड कुशन और यहां पर शायद ही कम बैक कर पाएंगे और टाइम इज अगेंस्ट एफसी गोवा और यहां पर एक बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस के बाद मुंबई सिटी कहते हुए हु इज द बॉस यहां पर 84th मिनट पर प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन एफसी गोवा 1 मुंबई सिटी एफसी 3 फेरेस अर्नॉट पास करता हुआ रोड्रिग्वेस का पास अल्वारो वास्क्वेस को जैसे कि यहां पर आज थोड़ा सा भी यहां पर ओपन स्पेस नहीं दिया गया है मुंबई सिटी एफसी की तरफ से। इकर गोरत्सेना का शॉट लेकिन पुरभला चिंपा के पास कोई दिक्कत नहीं इसमें। बोर्जेस का पास बिपिन सिंह से मंदार राव देसाई ने पिक करता हुआ ग्रेग स्टुअर्ट को लेकिन वहां पर बॉल ले लिया है अनवर आली एफसी गोवा के लिए। 3 मिनट का एडेड टाइम, 90 मिनट का नॉर्मल टाइम खत्म हो चुका है यहां पर। इकर गोरत्सेना क्या यहां से कुछ कर पाएंगे। नोवा सदुई एक मौका नोवा सदुई के लिए अल्वारो वास्क्वेस को जैसे ही यहां पर मिला है एक स्पेस और यहां पर आज के मैच का पहला स्कोर गोल स्कोर करता हुआ अपने लिए अल्वारो वास्क्वेस। 2 goals एफसी गोवा के लिए दाग दिए गए हैं। क्या लास्ट कुछ सेकेंड्स पे एक मिराक्यूलस कमबैक एफसी गोवा कर पाएंगे, देखना यही है। यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर गोल स्कोर किया एफसी गोवा ने। +2 minutes पर यहां पर दूसरा गोल स्कोर करता हुआ एफसी गोवा के लिए। प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन एफसी गोवा 2 मुंबई सिटी एफसी 3।
रेफरी यहाँ पर फाइनल विसल लेता हुआ इस मैच का, और यहाँ पर एक बेहतरीन कोशिश और परफॉर्मेंस के बाद मुंबई सिटी एफसी को एक टफ विक्ट्री जरूर मिलता हुआ, लेकिन एफसी गोवा, व्हाट अ लवली परफॉर्मेंस फ्रॉम द एफसी गोवा साइड। और चलिए खत्म करते हैं हमारा प्रेडिक्शन गेम प्ले। यहाँ पर एज पर द प्रेडिक्शन गेम प्ले, प्रेडिक्टेड हीरो ऑफ द मैच अल्बर्टो नोगुएरा, प्रेडिक्टेड विनर एफसी गोवा के अगेंस्ट मुंबई सिटी एफसी, और प्रेडिक्टेड स्कोर लाइन एफसी गोवा 2 मुंबई सिटी एफसी 3। चलिए खत्म करेंगे हमारा प्रेडिक्शन गेम प्ले। जाने से पहले आप सभी दर्शकों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को पसंद आता है हमारा ये प्रेडिक्शन गेम प्ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पर एम कर रहे सिर्फ 50 लाइक्स के लिए, और जरूर हमारे कमेंट सेक्शन पर आपका प्रेडिक्शन बताना मत भूलिएगा। क्या लग रहा है आपको, कौन सा टीम जीत पाएगा, क्या यहाँ पर मुंबई सिटी एफसी अपना अनबीटन स्ट्रीक को बरकरार रख पाएंगे एफसी गोवा के अगेंस्ट, चलिए बताइएगा जरूर हमारे कमेंट सेक्शन पर। तब तक के लिए चलते हैं, अभी खत्म करते हैं हमारा प्रेडिक्शन गेम प्ले, और जरूर मुलाकात होगी बहुत जल्द आप सभी दर्शकों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस हियर टुनाइट, विल सी यू गाइस सून, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।